नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंदुत्व नेता यति नरसिंहानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उत्तराखंड में रातों रात निकाले गए मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत को आज 6 साल पूरे हुए। और कोरोना अपडेट में देश में लगातार 4th दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब खबरें जानते हैं विस्तार से। उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक हुई धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाले नफरती भाषण देने के मामले में पुलिस ने शनिवार रात इस धर्म संसद के आयोजक दासना मंदिर के यति नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया। पहले पुलिस ने बताया कि यति को महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया है, मगर रविवार को जब यति कोर्ट में पेश किया गया तब पुलिस ने उसमें हेट स्पीच का भी जिक्र किया था। कोर्ट ने यति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यति को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो इसी मामले में पहले गिरफ्तार हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। आपको बता दें कि धर्म संसद मामले में सभी वीडियो मौजूद हैं, मगर पुलिस ने 1 महीने में सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मची हुई है। हरक सिंह रावत को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त और बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रावत पर परिवार के लिए टिकट मांगने के लिए पार्टी पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। वहीं बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि हमाम में सब नंगे हैं, बीजेपी में सबको ऊपर से नीचे तक जानता हूं। पिछले 5 साल से ये लोग कुछ नहीं कर सके, रोजगार दिया नहीं, विकास किया नहीं, उल्टे महंगाई बढ़ा दी है, तो इनको कुछ ना कुछ आरोप लगाकर मुझे निकालना ही था। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ जुड़कर काम करते रहेंगे और उन्होंने ये भी दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था, साइंस का लेखक कार्ल सगान की तरह, मगर मैं सिर्फ ये आखिरी खत लिख पाया। ये शब्द थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला के, जो उन्होंने 6 साल पहले 17 जनवरी 2016 को अपने आखिरी खत अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। रोहित की आत्महत्या को इंस्टीट्यूशनल मर्डर भी कहा जा सकता है। रोहित ने अपने खत में लिखा था कि कैसे कैंपस में दलित छात्रों के साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। प्रशासन से लेकर सरकार तक हर वर्ग के भेदभाव के बारे में रोहित ने इस आखिरी खत में बात की थी। आज रोहित की मौत के 6 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संगठन अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक ऑनलाइन इवेंट करके रोहित को याद भी किया। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों में रोहित की आत्महत्या की दुनिया भर छात्र आंदोलन में विरोध के एक मजबूत उदाहरण के तौर पर देखा गया है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना की जो तीसरी लहर जारी है उसकी स्थिति बहुत चिंताजनक बनती जा रही है। देश में रोजाना कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भी कोरोना के 2,58,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस बीच 385 मरीजों की मौत भी हुई है। इस बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 1,51,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में कुछ 1,05,000 मामलों की बढ़ोतरी भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 157,20,00,000 से ज़्यादा डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से 39,46,000 के करीब वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटे में दी गई हैं। 17 जनवरी को रात 12 से 1 के बीच कथक के सरताज पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो 83 साल के थे। न्यूज़क्लिक की तरफ से हम उन्हें पूरे सम्मान से याद कर रहे हैं। और आज के न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।